नमस्कार, मैं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर। जी हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक अलग हलचल देखने को मिल रही है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दावा तो ये किया जा रहा था कि अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा जाएगा और मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर कम मिलता तो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय तो मिलना तय था। लेकिन पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है। अनिल विज जिस तरीके से दरकिनार कर दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माना यह जा रहा है कि अभी भी अनिल विज को विभाग तो 3 मिल गए हैं छोटे छोटे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो नाराजगी देखने को मिल रही है। वही देखना यह होगा कि अनिल विज क्या एक बार फिर से हरियाणा में बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे, या फिर नायब सिंह सैनी जिस तरीके से समझा बुझाकर उन्होंने छोटे छोटे विभाग अनिल विज को सौंप दिए हैं, उसी तरीके के समीकरण बनेंगे और कांग्रेस पार्टी इसमें कुछ बड़ा खेला कर सकती है। किस तरीके का माहौल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खाने में क्या कुछ चल रहा है, आज मनीष से जानेंगे। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से बड़ा उलटफेर हुआ है और अनिल विज को दरकिनार किया गया, राव इंद्रजीत सिंह को दरकिनार किया गया, 12 विभाग नायब सिंह सैनी के पास हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके के खेला होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो अनिल विज लंबे समय से यहाँ सीएम पद की मांग करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी उनको समझाती बुझाती नजर आई, लेकिन सीएम पद की मांग पर अनिल विज लंबे समय तक अड़े रहे। और जिस दिन यहाँ 8 अक्टूबर को मतों की गिनती हो रही थी, उस दिन भी कहीं ना कहीं अनिल विज ये कहते हुए नजर आए पत्रकारों से कि अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। तो वो कहीं ना कहीं अनिल विज का ऐसा कहना, पूरा कॉन्फिडेंस उनको था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वो बगावती सुर अपना रहे हैं, उसको देखते हुए उनको सीएम पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से इस बात को नकार दिया और नायब सिंह सैनी को ही यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया। और देखा गया जिस तरीके से जब विभागों का बंटवारा होता है तो अनिल विज को बिजली और परिवहन विभाग सौंप दिया जाता है। और ऐसे में सभी जितने भी बड़े मंत्रालय हैं, चाहे गृह मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय, तमाम जितने भी मंत्रालय हैं, वो मंत्रालय कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी अपने पास रखते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं 12 विभागों की जिम्मेदारी खुद ही संभालते हुए नजर आते हैं। तो स्थिति साफ है कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर की सरकार में अनिल विज के पास स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय था, ठीक उसी प्रकार से अनिल विज दोबारा से उन दोनों मंत्रालयों की मांग करते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और नायब सिंह सैनी ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया। और मनीष, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अनिल विज बागी विधायकों के साथ किसी भी तरीके का बगावत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जो बागी विधायक हैं, ये यूँ कहें कि अनिल विज के समर्थित जितने भी विधायक हैं, वो यहाँ पर मिलकर यहाँ पर खुलकर बगावत भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हुए नजर आ सकते हैं। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज़ की आस लगाए बैठी है कि अनिल विज बगावत करें और हमारे खेमे में आएँ, तो यहाँ पर सरकार गिराने की उनको यहाँ पर जो है मौका मिलता हुआ नजर आए। और हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता निकलती हुई नजर आए और कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं फिलहाल हरियाणा के जो समीकरण है इसी तरीके के बन रहे हैं। अनिल विज के मन में अभी भी नाराजगी, हालांकि वो किसी भी तरीके का खुलकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज देने की कोशिश हमेशा ज़रूर करते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि अनिल विज बगावत करेंगे या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।